वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद किरण टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर थर्टी टू ऑफ जोलॉजी बाय मिलर एंड हार्लिव सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द सनलाइट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन अच्छा अब इसमें कैटेगरीज बना दी गई हैं ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं सनलाइट को जैसे आपको पता है प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आते हैं एल वगैरह आते हैं ठीक है ये डायरेक्ट यूज़ करते हैं सनलाइट को और उससे अपनी फूड बनाते हैं यानी ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी फोटोसेंथिसिस का प्रोसेस आपको याद होगा हमने एफ की लेक्चर्स जब हम रिवाइज़ कर रहे थे तब हमने किया था अच्छा प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाई यूजिंग सनलाइट प्राइमरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे ठीक है यानी जो प्लांट मैटर पे फीड करते हैं उनको हम कहते हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं जो के प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं ठीक है ओमनीवोर्स कौन से होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे भी फ़ीड करते हैं और इसके साथ साथ वो जो मीट है यानी जो कंज्यूमर्स हैं उन पर भी फ़ीड करते हैं डिकम्पोजर्स क्या होते हैं जो डेड और डिकंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और रिटर्न करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू देयर इन्वायरमेंट अब यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो मैटर है ना उसकी रिसाइकलिंग होती है एनर्जी की रिसाइकिलिंग नहीं होती एनर्जी बेसिकली होती क्या है एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क ठीक है एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क तो वर्क क्या होता है वर्क बेसिकली कि जब हम किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगाते हैं ठीक है वो हमारा वर्क होता है सो so, एनर्जी जो है ये टू टाइप्स की होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एनर्जी है स्टोरेज की यानी स्टोर्ड फॉर्म में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो मूविंग एनर्जी है ठीक है उसके बाद एनर्जी को हम मैयर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ हीट प्रोडक्शन ठीक है एनर्जी इज़ मैय इन द टर्म्स ऑफ हीट प्रोडक्शन इसीलिए हम एनर्जी की स्टडी को क्या कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स द स्टडी ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड एज थर्मो कैलोरीज एनर्जी का यूनिट होता है किलो कैलोरी भी हम यूज़ करते हैं किलो कैलोरी क्या होता है कि वन ग्राम वन ग्राम ऑफ वाटर को ना उसका टेम्परेचर वन डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए है वो वन किलो कैलोरी है ठीक है वन ग्राम वाटर का टेम्परेचर वन डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए है वो वन किलो कैलोरी है अच्छा अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ना हमारी बॉडी में उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं ऑल द केमिकल रिएक्शंस अक्रिंग इन अवर बॉडी इट मे हैव टू टाइप्स कैटाबोलिज़्म एंड एनाबोलिज़म कैटाबोलिज़म में हम क्या करते हैं कैटाबोलिज्म में ऐसा होता है कि जितने भी बड़े मालिक्यूल्स होते हैं ना जैसे कह लें कार्बोहाइड्रेट्स में पोलिसक्राइड्स वगैरह उनको हम ब्रेक डाउन उनका करते हैं स्मॉलर मालिक्यूल्स में माइक्रो मालिक्यूल्स में ठीक है एनाबोलिज़म में क्या होता है कि जितने भी स्मॉलर मालिक्यूल्स होते हैं वो मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बना देते हैं मैक्रो मालिक्यूल सो so, जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं ना उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है और माइक्रो मालिक्यूल्स है जब मैक्रो मालिक्यूल्स बनते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है यानी कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज़ हो रही है एनाबोलिज़म में एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है अब ला है थर्मोडाइनमिक्स के दो लाज हैं पहला ला क्या कहता है हम सब उससे अच्छी तरह फेमिलियर हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफार्म फ्राम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म यानी एनर्जी चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकिन वो डिस्ट्राई नहीं होती जैसे हम सन लाइट को प्लांट्स जो हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी में सेकेंड लाफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है कि एनर्जी जब एक फार्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफार्म वो चेंज होती है ट्रांसफाम होती है तो कुछ अनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में उसको लॉस हो जाता है ठीक है जिसकी वजह से जो डिसऑर्डरनेस है वो इंक्रीज हो रही है और इस डिसऑर्डरनेस को हम क्या कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं अच्छा उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो हमें एक केमिकल रिएक्शन करने के लिए चाहिए होती है ठीक है ये यानी इनपुट एनर्जी है केमिकल रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट्स होते हैं जिन्होंने कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट में और टू टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं एक्जरगोनिक रिएक्शंस होते हैं एंडरगोनिक एंडोगोनिक रिएक्शंस होते हैं जो एक्सरगोनिक होते हैं ना इसमें जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है ठीक है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो एंडोगोनिक है ना उनमें क्या होता है उनमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही उसमें एनर्जी देते हैं हम और जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना मतलब एक रिएक्शन को होने के लिए जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है ना उतना वो रिएक्शन स्लो होगा रिएक्शन रेट क्या होता है स्पीड होती है रिएक्शन की एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन ट्रू द प्रोडक्ट कटैलिसिस कैटलिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को और इंज़ाम्स आपको पता है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं थ्री डायमेंशनल प्रोटीन्स होती हैं और ये इंक्रीज़ कर देती हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को विदाउट बीइंग यूज्ड इन डैट रिएक्शन यानी रिएक्शन के एंड पे इंज़ाम्स हमारे पास वैसे के वैसे आ जाते हैं अच्छा इंजाइम में जो रिएक्ट्स होते हैं ना उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं ठीक है इंजाइम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स हैं लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूज फिट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल फ़िशर ने दिया था 1894 में और इसने कहा था कि जिस तरह एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है इसी तरह एक स्पेसिफिक इंजाइम जो है वो एक स्पेसिफ़िक सबसेट के साथ रिएक्ट कर सकता है लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि एक्टिव साइट जो है ना इंज़ा की जो फंक्शनल पार्ट है इंज़ाम का वो रिजेक्ट हो जाता है लेकिन एक्चुअली वो रिजेक्ट नहीं होता इसलिए इसको एक्सप्लेन किया गया दूसरे मॉडल से जो कि है इंड्यूस्ड फिट मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया था कोशलैंड ने दिया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल ठीक है और इसके मुताबिक क्या है कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है ठीक है बल्कि जो एक्टिव साइट इंड्यूस करती है चेंजेस सब में जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है और ये एंजाइम जो है वो फ़िट आ जाता है सब के साथ अच्छा फंक्शन एंजाइम का देखें तो इंजाइम प्लस सबस्टेट है इंजाइम सबस्टेट कम्प्लेक्स बन जाएगा जो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और एंड पे इंजाइम जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाता है हमने बात की एक्टिव साइट की एक्टिव साइट जो है वो फंक्शनल पोर्शन है इंजाइम का इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बाइंडिंग साइट है कैटालिटिक साइट है बाइंडिंग साइट क्या है जहाँ पे सब्सटेंस आके अटैच होता है यानी जहाँ पे सबस्टेट आके अटैच होता है और कैटालिटिक साइट क्या है जहाँ पे सबस्टेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन इसमें ना बहुत सारे वैसे तो फैक्टर्स आ जाते हैं लेकिन मेजर टू फैक्टर्स हैं टम्परीचर है और पी है टम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है इंजाइम को आपको पता है टम्परेचर काज कर देता है डी नेचुरेशन ऑफ इंजाइम यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंजाम जो हैं वो डी नेचर हो जाएंगे यानी जो प्रोटीन है वो अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है उसको ख़त्म कर देगी और डी नेचर हो जाएगी और अगर टेम्परेचर बहुत लो होगा यानी उनके टेम्परेचर जो, जो रिक्वायरमेंट है उससे टेम्परेचर बहुत लो है तो क्या होगा सॉलिड स्टेट में जो उनकी है ना प्लाज्मा में वो सॉलिड हो जाएगी और इस तरह बहुत सारे जो हैं वो प्रोसेसेस नहीं होंगे उसके बाद पी को देखें तो पी जो है वो आयोनाइजेशन को इफेक्ट करती है बेसिकली एक्टिव साइड की आयोनाइजेशन को चेंज कर देती है एसिड की आयोनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है ठीक है जैसे पेप्सन जो है वो टू पे ही काम करेगा टू की पीएच पे ट्रिप्सन नाइन की पीएच पे अगर इससे आगे पीछे हो जाएगी पीएच तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे अब इसको हमने एक स्पेसिफिक वर्ड का आ, कहते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इंजाइम्स अच्छी तरह एक्ट करते हैं वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर और वो स्पेसिफिक पीएच जिस पे इंजाइम्स अच्छी तरह जो है वो अपना काम करते हैं वो है ऑप्टिमम पीएच अब को फैक्टर्स क्या होते हैं इन्जाइम्स को ना वैसे तो ये टोटली प्रोटीन होते हैं ना लेकिन इनको नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी रिक्वायर होते हैं किसी हद हाँ तक कुछ को चाहिए होते हैं कुछ को नहीं चाहिए होते है. अब वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना उसको हम क्या कहते हैं को फैक्टर को फैक्टर जो है ना ये बेसिकली हमारे पास मेटल मेटलाइंस हो सकते हैं और ये कैटालिसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं यानी जो सबसेट के अपने बॉन्ड्स होते हैं ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ये काम करते हैं और उसके साथ टम्प्रेरी बॉन्ड्स बना लेते हैं उसके अपने बॉन्ड्स सबसेट के उसको रिड्यूस करते हैं वीक करते हैं जिसकी वजह से इंजाइम जो है वो इजीली रिएक्ट कर सकता है को इन्जाइम्स क्या होते हैं को इन्जाइम्स भी नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं ये बेसिकली वाइटमिन हो सकते हैं मिनरल्स हो सकते हैं ठीक है और को इन्जाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी ट्रांसपोर्ट में जैसे एक रिक्शा है ना वो सफारियों को पिक करके लेके जा रहा है इसी तरह जो को इंजाइम है ना ये भी इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी वाले होते हैं ना उनको पिक करके छोड़ के आते हैं जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जैसे नैड आपको पता है वाइटमिन बी से बनता है को इंजाइम ठीक है और ये भी जो प्रोटोन है उसको पिक करता है हाइड्रोजन को और वहाँ पर रिलीज करके आता है जहाँ पे जरूरत होती है एनर्जी की अब जैसे फ़ूड जो है वो अगर ऑक्सीडाइज होती है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाते हैं फूड से और नेट को दे दिए जाते हैं और एन ए डी एच बन जाता है उसके बाद हमारे पास है ए टी पी ए टी पी क्या है एडिनिन ट्राई इसको हम किस नाम से जानते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल यानी ये मेजर एनर्जी करेंसी है सेल की और ए टी पी तीन चीज़ों से बना होता है एडिनिन से और उसके अलावा राइबोस शुगर होती है एडिनिन नाइट्रोजन बेस है राइबोस शुगर है और थ्री फॉस्टफेट मालिक्यूल्स है अब ये जो फॉस्टफेट मालिक्यूल्स हैं ना स्पेसिफिकली टू एंड थ्री इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है ये जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हाई एनर्जी बाड्स होते हैं एक बॉन्ड के ब्रेक होने पे ना सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरीज एनर्जी जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं और ए जो है ना ये बनी बनाई फॉर्म में नहीं होते ए टी पी के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हमारी बॉडी में बल्कि ये प्रेजेंट होते हैं ए और फॉसफेड ग्रुप की फॉर्म में ठीक है जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है ना फ़ौरन से वहाँ पे ए बन जाता है और ये कुछ सेकेंड के लिए ही रहता है फ़ौरन से ये अपने जो फास्टफेड बॉन्ड को ब्रेक करता है और एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है और पर फॉस्टफेड बॉन्ड सेवन पॉइंट थ्री किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो हमारे पास आती है अब नेक्स्ट है हाउ सेल्स कन्वर्ट एनर्जी ये एक बेसिकली ओवरव्यू है इससे पहले हम चैप्टर वो जो है ग्लाइकोलिसिस वाले चैप्टर में हम ये सारी डिटेल जो है वो देख चुके हैं आप वो चैप्टर भी प्ले से ले सकते हैं अच्छा हाउ सेल्स कन्वर्ट एनर्जी सेल्स एनर्जी किस तरह कन्वर्ट करते हैं आपको पता है एटीपी एनर्जी की मेजर फॉर्म है अब एटीपी फॉर्मेशन को हमने स्टडी करना है एटीपी फॉर्मेशन होती है टू वे से एक तो क्या है सबस्टेट लेवल फॉस्फोरिलेशन दूसरा है कैमिओसमोसिस अब जो सबस्टेट लेवल फॉसफोरिलेशन है ना ये ओल्डेस्ट वे है ए प्रोड्यूस करने का ठीक है ए टी पी फॉर्मेशन ए से और फॉस्फेट से होती है जब एनर्जी चाहिए होती है और ये बहुत ज़्यादा एग्जरगोनिक रिएक्शन है यानी एग्जरगोनिक कौन सा है जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है यानी ए से फॉस्फेट बनता है ए बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है अब जनरेशन ऑफ ए टी कपलिंग स्ट्रॉन्गली एग्जरगोनिक रिएक्शन यानी स्ट्रॉगली एग्जरगोनिक रिएक्शन के साथ जब ए टी प्रोड्यूस होगा तो वो कौन सा कौन सा वे है सब लेवल फॉसफोर सबस्टेट लेवल फॉसफो रिलेशन इज़ एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी बाय द कपलिंग ऑफ स्ट्रॉन्गली एक्जरगोनिक रिएक्शन अच्छा ये ओल्डेस्ट मैथड है ठीक है इसको हम ओल्डेस्ट क्यों कहते हैं क्योंकि इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स यूज किए जाते थे एनर्जी के लिए ठीक है तो ए टी पी जो है वो इसी तरह प्रोड्यूस होता रहा है उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो मैक्सिम ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यही है ए टी पी प्रोडक्शन का और बेसिकली ये फंडामेंटल वे है ए प्रोडक्शन का सेकेंड जो है कैम्योसमोसिस कैम्योसमोसिस ना किसी हद तक इसमें भी होती तो ए फॉर्मेशन है लेकिन ये डिफरेंट है वे डिफरेंट है ए फॉर्मेशन का इसमें इन्वॉल्व है माइट्रोक्रिया माइट्रोकॉन्ट्रिया में होते हैं मेम्ब्रेन चैनल्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स क्या करते हैं ये पंप करते हैं प्रोटॉन्स को अब ट्रांसफ्रेन चैनल्स में जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यानी फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया और दूसरा जो कह लें दूसरा जो कंपोनेंट है ना दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड है ना उसमें शेप चेंज कर दी यानी जो दूसरी प्रोटीन है उसमें शेप चेंज को इंड्यूस कर दिया प्रोटॉन पंप्स ने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको यूज़ किया और जो दूसरी प्रोटीन है उसमें शेप चेंज को इंड्यूस कर दिया जब शेप चेंज इंड्यूस हो गई तो प्रोटॉन्स जो हैं वो बाहर की तरफ जाने लग गए माइक्रोकोंड्रिया से प्रोटॉन्स बाहर की तरफ जाने लग गए ठीक है अब आउटसाइड क्या हुआ प्रोटॉन्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई इनसाइड प्रोटॉन्स की कंसनट्रेशन कम हो गई अब इससे क्या होगा एक ग्रेडियंट बन जाएगा और प्रोटॉन्स जो हैं वो मूव डाउन द ग्रेडियंट ग्रेडियंट के साथ नीचे चले जाते जाएंगे ठीक है ग्रेडियंट की तरफ मूव करते जाएंगे और ए फॉर्मेशन हो जाएगी इसके साथ साथ ठीक है यानी ये ए फॉर्मेशन तब होती है जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं डाउन द ग्रेडियंट नेक्स्ट है सेलुलर डिस्पेरेशन सेलुलर डिस्पेरेशन में क्या होता है आपको पता है कि फूड में जितने केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना या फोटोसेंसिस जो हो रही होती है प्लांट्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑप्टेन होते हैं उससे ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स लेने का प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रॉन स्ट्रिपिंग प्रोसेस ठीक है ये बेसिकली सेलुलर रेस्पायरेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स लेने का अमल फूड से और या फोटोसेंसिस के थ्रू जो प्लांट्स करते हैं और एरोबिक रेस्पायरेशन बेसिकली क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है फूड मालिक्यूल्स की टू प्रोड्यूस एनर्जी एरोबिक रेस्पायरेशन इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन है फूड मालिक्यूल्स की ये एम सी क्यूज के तौर पर पूछा जाता है कि जो एरोबिक रिस्परेशन है वो एक्चुअली क्या है ऑक्सीडेशन है फूड मालिक्यूल्स की डिडक्शन नहीं है हम इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं रहे हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं ठीक है जिससे हमारे पास एनर्जी आती है तो ये था हमारा चैप्टर थर्टी टू इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं स्टे कनेक्टेड थैंक यू वेरी मच